बिहार के बहुचर्चित मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर को दिल्ली के तिहाड़ जेल से मुजफ्फरपुर लाया जाएगा। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे ब्रजेश ठाकुर को न्यायिक रिमांड पर लिया जाएगा। इसके लिए बीते दिनों ही विशेष कोर्ट ने मंजूरी दे दी। विशेष कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर को रिमांड पर लेने के लिए प्रोडक्शन वारंट जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक की जयमंगल प्रसाद ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक रिमांड के बाद ब्रजेश ठाकुर को शेल्टर होम कांड में अगली कार्यवाही के लिए रिमांड पर लिया जा रहा है। रिमांड के लिए विशेष कोर्ट से आग्रह किया गया था। महिला थाने की पुलिस ने अगस्त महीने में ही कोर्ट में रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की थी। मुजफ्फरपुर के साहू रोड स्थित स्वाधार गृह से 11 महिला और 4 बच्चों के गायब होने के मामले में 30 जून 2018 को महिला थाने में FIR दर्ज कराई गई। बालिका गृह कांड खुलासे के बाद अधिकारियों की टीम ने स्वाधार गृह का निरीक्षण किया था। इस दौरान महिला और बच्चों के गायब होने का मामला सामने आया। इस मामले में ब्रजेश ठाकुर की करीबी और राजधार मधु को पहले ही रिमांड पर लिया जा चुका है। ब्रजेश ठाकुर मधु के साथ मिलकर इस स्वाधार गृह का संचालन करता था। इनके साथ अन्य आरोपों पर भी FIR दर्ज की गई थी।